ये गिफ्ट मुझे आया है, बहुत ही अच्छा बंदा है वो, बहुत ही प्यारा है और बचपन से बहुत ही अच्छा है, मतलब उससे उसको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं बचपन से, ज्यादातर लड़कियां मानता है, पर और वो बहुत अच्छा है, मुझे भी पसंद है वो। और वो है प्रीतम नाम का बंदा है, उसने मुझे गिफ्ट दिया है, उसका नाम प्रीतम है और वो अच्छा है। कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ? और वो प्रीतम मैं यू, यस मैं यू, मैं यू, मैं यू, मैं यू, मैं ही ऑफलाइन में जो हूँ ना मैं, बहुत अच्छा मुझे पता है। अरे गिफ्ट अनबॉक्स कर, नहीं रुको थोड़ा, सबर करो काउंट करो तीन तक, कोई तो काउंट करो ग्यारह तीन, बोला ही तुझे तीन तक काउंट करो, ऐसा 1 2 3, तीन पे उठाऊंगा, वन टू थ्री। अरे रुको, थ्री इतना ही खोला है मैंने अभी तक, कागज के बाहर भी नहीं आया। आ गया ना, आ गया भाई, भाई आ गया भाई जैसा है भाई के पास, यही है। अब उन्होंने एलगाडो ले आए थे, एलगाडो में ये है हाइपर एक्स का क्वाडकास्ट, और ये बहुत ही महंगा माइक है और मुझे बहुत दिनों से लेना था और मैंने बहुत ही बड़ी छलांग मारी हुई है, क्योंकि एक हमारे महान इंसान ने कहा हुआ है और वो रोज कहते साल्टी गेली तेरी चालेल पर नाद का एक कमी नहीं करायचा, ऐसे हमारे मेन श्रीमान लेजेंड जी उनके मद्देनजर रखते हुए, श्रीमान लेजेंड इनका डायलॉग फॉलो करते हुए हमने साल्टी गेली तेरी चालेल पर नाद करायचा थांबवायचा नहीं, तर आपण नाद करायला सुरुवात केलेली आहे आजपासून बिंदात। चलो निकालते बॉक्स, इधर मत जाओ पूरा देखने का है, नहीं तो हाँ सरप्राइज पता चल गया। चलो अभी बाबा कितने टाइम से रुका था कि क्या है सरप्राइज, क्या है, क्या करने वाला है, अच्छा हुआ पता चल गया, अभी चलो अपने काम पे लग जाते, ऐसा नहीं करना है, रुको इधर ही पूरा देख के जाओ, क्योंकि ये माइक के साथ में और भी कुछ चीजें करने वाला हूँ, इसको पूरा स्क्रू ड्राइवर से खोलने वाला हूँ, उसके अंदर क्या फिटिंग लगाई है, कौन सा वाला चिप लगाया है, वो सब खोल के दिखाने वाला हूँ, और उसका सोल्डरिंग किया हुआ जो रहता है पीसीबी, वो पीसीबी भी निकाल के मैं दिखाने वाला हूँ, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जितने भी चैट में होंगे उनको दिखाने वाला हूँ उसका पीसीबी, तो इतना सब होने वाला है आज के स्ट्रीम पे, टेंशन मत। और ड्रॉप टेस्ट, वाटर टेस्ट और फायर टेस्ट और कुछ कौन सी टेस्ट रहती है, कोरोना टेस्ट, सब लेने वाला हूँ, कुछ भी सब करने वाला हूँ। और जैसा कि बॉक्स खोलते ही पहले मिला है एक चिट्ठी, और चिट्ठी में जैसे कि बाकी जो मेन प्रोफेशनल ये रहते हैं, चलिए शुरू करते हैं। कैमरा नीचे करूंगा, हाँ कैमरा भी नीचे किया तो चिट्ठी दिखेगी ना रे। यहाँ पर चार मोड है कुछ, तो एक दो तीन चार, चार मोड में ये करता है इसका साउंड, मतलब ये कैप्चर करने के लिए, और इंग्लिश में लिखा है फोर सिलेक्टेबल पोलर पैटर्न, और इतना मैं फालतूगिरी करने वाला नहीं हूँ, तुम लोग को मुझे पता है तुम लोग को देखना है अंदर की चीजें, और ये बाकी लोग करते हैं ना कि हाँ इधर ये लिखा है वो लिखा है ये इधर ऐसा लिखा है वो लिखा है, ये सब नहीं करने वाला, पर जानबूझ के वही कर रहा हूँ मैं, पर ठीक है। वैसे ये अच्छा बीच में, बाप रे पतला पैकिंग है रे, जबरदस्त है पैकिंग वगैरह, एकदम बेस्ट है। खोलना कैसे, पर गिर जाएगा, निकला 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 भाई साहब, इसको पैकिंग मत की है, ये देखो तंग उठा है तो घेरा रहे, इतना बड़ा है ये हमारा माइक है, और रेड एंड ब्लैक हमारी जो थीम है देवेंद्र की उसको भी मैच कर रहा है, इसलिए मैंने इसको लिया है, और ये माइक देखो कितना बड़ा है बापो, उसके साथ ये वायर है 1 मीटर की और बहुत ही अच्छी है, यूएसबी केबल है, और इसके साथ ये कोई तो अलग ही कनेक्टर है, जैसा कि कैमरा में आता था पिछले, पहले जो DSLR कैमरा को आता है वो वाला, और इस माइक को नीचे से गेन कंट्रोल का व्हील दिया हुआ है हफ्ते, और इसके साथ यहाँ पर चार दिख रहे क्या बटन, देखो चार पैटर्न में साउंड, मतलब ये करता है माइक्रोफोन, चार अलग अलग मोड है इसके,
और उसके नाम मुझे पता नहीं है सर लिखे हुए। एक है स्टीरियो, पहला वाला जो है स्टीरियो मोड है जिसमें कि राइट साइड और लेफ्ट साइड से आवाज आता है, मतलब स्टीरियो में कैसा राइट कान पे लेफ्ट कान पे ऐसा दो ही आवाज आते हैं। एक है ओमिनी डायरेक्शन, मतलब ओमिनी डायरेक्शन मतलब पूरा 360 कहीं से भी बोलो ये कैप्चर कर लेता है और बोलता सुनाई देगा। और दूसरा है कार्डियोइड मोड है जिसमें कि 270 है शायद ऐसा इतना यहाँ तक आता है, पीछे की साइड से कोई बोलेगा तो वो नहीं आएगा उसमें। और चौथा है बायडायरेक्शनल, बायडायरेक्शनल मतलब दो साइड से, एक सामने से और एक पीछे की साइड से, मतलब ऐसा रखा है तो सिर्फ यहाँ से आवाज आएगा और पीछे की साइड से कैप्चर करेगा, साइड से नहीं करेगा। ऐसे इसके चार मोड है, तो हम अभी इसको लगा तो नहीं है, लगाने लगा के देखे कह रहे हैं। और एक बात इसमें ये है कि ये जो दिख रहा है तुम लोग को ये क्या बोलते हैं हनीकॉम जैसी मेज है और वो मस्त दिख रही है, उसके अंदर रेड कलर का जो दिख रहा है उसके अंदर लाइट है, इधर ऊपर टैप करने पे ना लाइट चालू हो जाती है, वो भी अच्छा दिखेगा। और इसका स्टैंड भी मस्त है, हम ऐसा रख नहीं सकते रे, वैसे खेलूंगा कैसे ना टेबल, तो मुझे इसका स्टैंड चाहिए ही। ये वाला माइक है ना उसका स्टैंड घर पे पड़ा है, वो शायद लेके आना पड़ेगा। पर ये जो इतना महंगा है, अभी दो दिन तक घर नहीं जाने का ना, घर नहीं जाना है, घर दो दिन तो नहीं जाना ले। इससे तो मैं बाजू वालों के घर पे भी लेके जा सकता हूँ, उनको बोल सकता हूँ बोलो इसमें मजा आता है। स्क्रीन चालू है उधर, ये देखो ये कितना है, बाप रे पूरे घर का रन मारेगा वो। एक मीटर बस होती है, इन्होंने 3 मीटर दिए मुझे डाउटर, इतना थोड़ी ना खर्चा करते, 500 रुपए कम ले लेते, वायर कम देते, इधर से इधर ही तो लगाना था मुझे हर हर की नहीं। ये देखो ये अंधेरा करता हूँ, ये देखो टैप करने पे है ना, सिर्फ टच करने पे कतला सेंसिटिव है, ये जिप से होता है क्या होता है अच्छा है। What? पे आपका आवाज नहीं जा रहा, टीम पे नहीं जा रहा। देखो हेलो 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 माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 माइक टेस्टिंग, आरु को गेन ज्यादा है, बहुत ज्यादा आवाज आएगा। अभी देखो हेलो हेलो जमलेले सगळे मित्र मंडळ आणि मुलीचे मामा कृपया मंचावर या, मुलीचे मामा जिथे कुठे असाल लवकर या, मुलीचे मामा ते अंतरपाठ धरायचे लवकर या कार्यालयात, मुलीचा मामा दारू पिऊन पडलाय वाटतं कुठेतरी मागे। अभी देखो अभी आवाज आएगा परफेक्ट, मेरा ओल्ड माइक एकदम पोछना पड़ेगा, बहुत काल हो गया से निकल लिया। ये वाला हमारा ओल्ड माइक है, राइट का WR800, ये था ऐसा इसको स्टैंड में इधर लगा था मैं नीचे टेबल के, ऊपर से लाइट बीट लगाई है, तो लाइट का ही खर्चा ज्यादा हुआ है मुझे तो लगता है। 11,900 में से लाइट का खर्चा होगा 11,000 और 900 रुपए का माइक, सच है ये, क्योंकि मैंने इसको अभी खोलूंगा पूरा, इसके अंदर का स्टडी करेंगे कौन सा क्या लगाया वो सब चेक करने के। मस्त प्लान है, ऋतिक रोशन का आवाज वाटता है कोई मिल गया, मतलब क्या बात कर रहा है, सिर्फ आवाज दिखता नहीं, वो थोड़ा बहुत किंचित सा नहीं, चलो ठीक है गाना बोल ही देता हूँ माइक, ये फेस कैम ऑफ करके ओके। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह दूं तू गम दे या खुशियां सह लूं साथिया। इतना ही आता है थैंक यू सो मच, कल दोपहर को मिलते हैं। टोनी कसला था हम दस रहे वाजों की।